राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज एक खास इन्फॉर्मेशन लेकर मैं यहाँ हाजिर हूँ एक बार फिर से। एसएससी जीडी जो कि 2022 में फिर से आने वाली भर्ती, उसको लेकर के एक नोटिस जो है वो वायरल हो रहा है। और उसमें जो है बताया गया है कि जो 56,000 से भी अधिक पदों के लिए जो है आपकी ये भर्ती आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल्स के साथ यहाँ पर। इसमें आपका जो है 11,356 पोस्ट बीएसएफ की और 3,492 पोस्ट जो है आपकी सीआईएसएफ की, 26,000 से भी ज़्यादा 27,000 के आसपास में जो वैकेंसी है यहाँ पर सीआरपीएफ, एसएसबी की 7,275 और आईटीबीपी की 1,583, असम राइफल्स की 5,215, एनआईए की 242 और एसएसएफ की 283 मिलाकर के कुल 56,302 वैकेंसी यहाँ पर हैं। और ये नोटिस जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और इसमें आपको और चीज़ दिखा दूँ मैं पूरी डिटेल। 10-12 ये देखिए, 10-12 से जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होंगी। 57 से भी ज़्यादा पेजों का, ये 57 पेजों का ये नोटिस जो है वो वायरल हुआ था। अब इसकी सच्चाई क्या है, कितनी है, मैं आपको एक बार बता दूँ। देखिए, इसकी सच्चाई आपको इसके हेडर से ही यहाँ पर पता चल जाएगी। टॉप में क्या लिखा हुआ है कि टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 10-12-2023, यानी कि 10 दिसंबर 2023 में ये जो है वेबसाइट पर अपलोड हुआ है कह रहा है। जबकि आपको पता है 10 दिसंबर 2022 से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च के महीने में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। यानी कि तो ये फॉर्म जो है वो 10 दिसंबर 2023 में कैसे आएंगे, यानी कि एडिटिंग करने वाले ने एडिटिंग तो काफ़ी अच्छी की है लेकिन उतनी खास, उतने थोड़ा सा एक छोटी सी बात उनके दिमाग में नहीं आई कि भाई मैं जो है ये डेट तो सही कर दूँ कम से कम, है ना। तो ये जो गलती है ये गलत न्यूज़ है सरासर, और इसको बेमतलब में वायरल किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। वैकेंसी आएंगी 10 दिसंबर से, ये पक्की बात है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस अभी बिल्कुल नहीं है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आपको किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज की बात मेरी। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे कुछ दिनों से दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में, और जो मेरा दिक्कत है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपके साथ लगातार यहाँ पर फिर से बना रहूँगा। फिलहाल जब तक इश्यू है तब तक आप मैनेज कीजिए थोड़ा, और बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।